अस्सलामुअलैकुम, पहली के सफ़र में आपका स्वागत है। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, आपके दुआ से हम भी खैरियत से हैं। और आज है 13 मई, आज है डबल सेलिब्रेशन का दिन। आज आया है CBSE बोर्ड वालों का रिज़ल्ट 10th और 12th का। तो हमारी भांजी जो थी वो 12th क्लास में उन्होंने पास किया है, तो हम बस उन्हीं को मुबारकबाद देने के लिए जा रहे हैं उनके घर। तो यहाँ हम आ गए थे स्वीट शॉप पर, यहाँ पे हमने कुछ मीठा शीठा ले लिया उनके लिए और पहुँचे फिर हम उनके घर। यहाँ पर उनके अपनी उनके लिए लाइन थी केक सेलिब्रेशन के लिए। माशाल्लाह उन्होंने 80% मार्क्स से 12th पास किया है। आगे अब देखें क्या करती हैं वो, माशाल्लाह। उसके बाद बाकी सभी बच्चों के लिए बहुत बहुत मुबारकबाद। बहुत मेहनत करते हैं बच्चे, साथ में माँ बाप भी। तो बस ऐसे ही मेहनत करते रहिए, अल्लाह आपको ज़रूर कामयाब करेगा। और बस फिर हमने वहाँ पर जाकर केक कट किया। आपको बहुत खुश हो रहे थे केक देखकर, अप्पू ने भी केक कट किया और फिर हमने उन्हें मुबारकबाद दी, उन्हें कार्ड बनाया। अल्लाह पाक इन्हें ऐसे ही कामयाब करे आगे, जो भी इन्हें इंटर के बाद अब करना है उसमें अल्लाह ताला इन्हें कामयाबी दे। और ख़ास करके माँ बाप का सबसे ज़्यादा मेन रोल तो माँ बाप का ही होता है, जो बच्चों को अच्छे से गाइड भी करते हैं, दूसरी बात दुआएँ, और सबसे मेन रोल माँ बाप का ही है। उसके बाद जब बच्चे कामयाब होते हैं तो बहुत खुशी होती है। तो बस यहाँ पर वही सेलिब्रेशन चल रहा था, हम लोग मिठाई शिठाई खा रहे थे, एक दूसरे का मुँह मीठा कराया हम लोगों ने और बहुत अच्छा लगा। दूसरा सेलिब्रेशन क्या था वो आपको आगे चल के पता चलेगा। तो यहाँ पर इसके बाद हमने केक कटिंग की, फिर हमने किया नाश्ता, कोल्ड ड्रिंक वगैरह पी। इन्हें आप हमारी और वीडियोज़ में देख ही चुके होंगे, ये हैं फैज और ये देखिए यहाँ पर कैसे शैतानी कर रहे हैं। इन्होंने एक सिरिंज ले रखी है, उसमें पानी भर के ऐसे पिचकारियाँ मार रहे थे और यहाँ अप्पू कर रहे थे कूलर की हवा इंजॉय। अप्पू को बड़ी मस्ती आ रही थी। इसके बाद हुआ डिनर टाइम, हमने करा डिनर, माशाल्लाह बहुत अच्छा खाना था, हमने बिरयानी और कोरमा खाया। उसके बाद हम खाना खाकर आ गए अपने घर। ये खाना पैक हो रहा था उनके लिए, जो घर से नहीं आए थे, मतलब मम्मी वगैरह नहीं आएंगे, तो फिर उनके लिए खाना पैक कर दिया। ये मेरी सिस्टर इन लॉ की बेटी का रिज़ल्ट आया था। इसके बाद अगर हम घर आए तो एक और सरप्राइज़ हमें मिला बहुत अच्छा वाला, जो कि हमारी मम्मा हमारे लिए केक लाई थी। और सेकेंड सेलिब्रेशन यही था कि आज था मेरा बर्थडे 13 मई को, तो मैंने केक कट किया अपना। तो यहाँ एक के बाद एक सरप्राइज़ मिलते जा रहे थे, पहले तो मम्मा केक लेकर आई। उसके बाद सल्तनत मेरी देवरानी है, उन्होंने भी सरप्राइज़ मेरे लिए प्लान किया था और वो भी केक मुझे बगैर बताए लेकर आई। तो बहुत खुशी हुई, अच्छा लगा। आप मतलब एक स्पेशल डे पर आपने बड़ा अच्छा मुझे फील हुआ, बहुत ही खुशी हुई। तो बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का, आपने मेरा दिन इतना स्पेशल बनाया। इसके बाद हम लोगों ने किया केक कट। पहले ये लेकर आई थी मम्मी और दूसरा केक आया था सल्तनत लेके आई थी। ये मेरा फेवरेट है पाइनएप्पल, मतलब ये भी मुझे बहुत अच्छा लगता है। और आगे ब्लैक फॉरेस्ट वो भी बहुत अच्छा लगता है। तो ये दोनों केक हमने अच्छे से सेलिब्रेट किए, काटा इन्हें और हमने अपना बर्थडे सेलिब्रेट किया। यहाँ आपको बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो रहे थे केक देख देख कर, मतलब उनका बस नहीं, एक केक वो काट के आ चुके थे, अब दूसरा केक काटने के लिए बेचैन थी कि देखिए आपको मेरी गोद में बैठकर केक कट किया, और बहुत खुश हो रहे थे आपको बच्चों को। मैंने इससे पहले भी बताया है कि बर्थडे किसी का भी हो, केक कट करना बच्चों का ही है। तो यहाँ पर आपको केक कट कर रहे हैं, पहले हमने एक केक काटा, फिर हमने दूसरा केक काटा और आपको बहुत खुश हो रहे थे। फिर हम लोगों ने एक दूसरे को केक खिलाया और बस इसी तरह से हमारा खुशियों भरा दिन रहा। माशाल्लाह मेरे स्पेशल डे को और स्पेशल बनाया इन सब ने मिल के। तो बहुत बहुत शुक्रिया इन सब का, जिन्होंने मुझे अच्छी अच्छी कमेंट्स करके विशेस किए और बहुत अच्छा लगा मुझे। फिर ये मुझे मिले कुछ गिफ्ट्स और ये देखिए आपको कि मैं कुछ गिफ्ट ऐड कर रही हूँ, जिसमें एक केक लेके वो खुश हो रहे थे, हैप्पी बर्थडे टू से कर रहे थे। और ये थे दानियार, इन्होंने अपनी मम्मा के लिए कार्ड बनाया था, ये भी मैं एक क्लिप इसमें ऐड कर दूँगी। बाकी फिर हमने कोल्ड ड्रिंक शोल्ड ड्रिंक पी और थोड़ी सी बस पार्टी कर दी, ज़्यादा कुछ नहीं किया वो यूँ, क्योंकि आगे एक बर्थडे और आ रहा है, तब हमने सोचा है कि एक सा सेलिब्रेशन करेंगे। तो बस इसी के साथ मैं इस ब्लॉग को एंड करूँगी, मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट ब्लॉग में। बताइएगा ज़रूर मेरा ब्लॉग कैसा लगा। अल्लाह हाफिज़, दुआ में याद।